हेलो दोस्तों, मैं रेशमा पाटिल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनेश स्टडी 2.0 चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2020 में बहुत सारे जगह के नाम चेंज हो गए, मानो शहर के नाम चेंज हो गए, स्टेडियम के नाम चेंज हो गए, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप जो भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पटवारी, पुलिस, डिफेंस, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, एक बार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने अपने दोस्तों के पास। ओके, तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या हो गया है। ध्यान देना, विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो देखिए, सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा। विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या क्या है, सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान किया गया है। क्वेश्चन सेकेंड पूछा गया है, चेनानी नाशारी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा है। तो देखिए, चेनानी नाशारी सुरंग जो कि प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका नाम बदलकर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखेंगे, चेनानी नाशारी सुरंग जो कि भारत की सबसे लंबी वाली सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है और उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किया गया है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन पूछा गया है, फैजाबाद बस स्टॉप का नया नाम क्या हो गया है। तो साथियों, फैजाबाद बस स्टॉप का नया नाम कर दिया गया है अयोध्या बस स्टॉप। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फैजाबाद बस स्टॉप का नाम बदलकर क्या हो गया है, अयोध्या बस स्टॉप हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना, हजरतगंज चौराहा जो कि लखनऊ में स्थित है, हजरतगंज चौराहा जिसका नाम बदलकर क्या हो गया है। तो देखिए, हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर नाम रखा गया है अटल चौक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में भारत सरकार व्हीलर द्वीप का प्रयोग जो है अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है ना। और राइट आंसर आएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम रखा है व्हीलर द्वीप का। कहां पर स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन 6 नंबर का, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा है। तो देखिए, नील द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश, वहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान निकोबार के टोटल 3 द्वीपों का नाम बदलकर रखा है। तो देखिए, नील द्वीप का नाम रखा क्या है, शहीद द्वीप। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा द्वीप है हॉलॉक द्वीप, उसका नाम स्वराज द्वीप क्या है, और रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप क्या है। तो तीनों को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली का औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या रखा है। तो देखिए, दिल्ली में स्थित औरंगजेब रोड का नाम बदलकर कलाम रोड रखा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी के नाम पर कलाम रोड रखा है दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, लगाएंगे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। पूछा गया है, नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा है। तो देखिए, नया रायपुर का नाम बदलकर रखा गया है अटल नगर, ऑप्शन डी राइट आएगा, अटल नगर। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है। तो देखिए, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारत में सुप्रीम कोर्ट कब स्थापना हुआ था, आप बताओगे मुझे। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो साथियों, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर
क्या हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या हो गया है? वो हो गया है ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर उर्दू अरबी फारसी ये जो भाषा है उनको हटाकर वहां पर ये शब्द ऐड किया गया है भाषा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो देखिए अंबाला बस स्टैंड कहां पर? हरियाणा में, और नाम हो गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड, क्योंकि सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ था। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। सुषमा स्वराज जी की बात करें हम तो दिल्ली की प्रथम महिला सीएम, हमारे देश की प्रथम महिला केंद्रीय विदेश मंत्री जो कि पूर्णकालीन है ना, सुषमा स्वराज, आप याद रखोगे। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो साथियों मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर रखा गया है बाला साहेब ठाकरे, ऑप्शन नंबर ए, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रयाग घाट स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो देखिए प्रयाग घाट स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है प्रयागराज संगम। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज संगम। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इलाहाबाद जंक्शन का नाम क्या हो गया है? तो देखिए इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया गया है। इलाहाबाद जंक्शन का नाम क्या हुआ है? प्रयागराज जंक्शन, आप याद रखोगे। पूछा गया है यहाँ पर अयोध्या बस स्टॉप का नाम क्या हो गया है? ध्यान देना अयोध्या बस स्टॉप का भी नाम बदल दिया गया है, और राइट आंसर आएगा अयोध्या धाम। अयोध्या बस स्टॉप अब क्या बोलेंगे आप? अयोध्या धाम। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बोगीबुल पुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोगीबुल पुल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए साथियों बोगीबुल पुल नाम का जो ब्रिज है उसका नाम बदला गया है अटल सेतु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। कहाँ पर स्थित है बोगीबुल पुल? तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी पर डबल डेकर पुल, भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल, यानी नीचे से वहां से ट्रेन चलती है और ऊपर में बस चलती है, डबल डेकर पुल है असम में जो कि भारत का सबसे लंबा वाला ब्रह्मपुत्र नदी पर, और उसका भी नाम बदलकर क्या किया है? अटल सेतु किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की बात करें हम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दिल्ली के बाबर रोड का नाम क्या हो गया है? दिल्ली में जो बाबर रोड था उसका भी नाम बदलकर क्या क्या है? 15 अगस्त मार्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, आप याद रखोगे 15 अगस्त मार्ग जो कि बाबर रोड का नया नाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौन से शहर के सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक कर दिया है? तो यहां पर आएगा जम्मू, आप याद रखोगे जम्मू का नाम, जो जम्मू में स्थित सर्कुलर रोड चौक उसका नाम क्या क्या है? अटल जी चौक किया है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कौन से शहर के सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया है? तो भारत माता चौक, राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर भी? जम्मू आएगा, आप याद रखोगे जम्मू। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा गया है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसका गठन किया गया था 1993 में, और उसका भी नाम बदलकर क्या क्या है? अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, बीजेपी के प्रमुख नेता अरुण जेटली है ना। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखोगे पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री भारत के, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 अगस्त 2019 में इनका निधन हो चुका है, अरुण जेटली जी का। क्वेश्चन पूछा है कौन से राज्य के चिड़ियाघर का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान जी के नाम पर? तो देखिए चिड़ियाघर का नाम बदलकर अशफाक उल्लाह खान के नाम जी पर, और कौन से राज्य में? तो यूपी में, आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा यूपी।
क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर आएगा नाना शंकर सेठ। सेंट्रल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या होगा? नाना शंकर सेठ जी के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखोगे, देखिए नाना शंकर सेठ जी की बात करें तो मुंबई का आद्य शिल्पकार कहा जाता है उन्हें। नाना शंकर सेठ को मुंबई का आद्य शिल्पकार कहा जाता है। वैसे तो भारतीय रेल का जनक भी कहा जाता है नाना शंकर सेठ जी को, क्योंकि भारत की प्रथम रेलवे ग्रेट ईस्टर्न रेलवे के प्रथम निर्देशक बने थे नाना शंकर सेठ, है ना। इसी कारण उन्हें भारतीय रेल का जनक भी कहा जाता है। वैसे भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को भी कहा जाता है, क्योंकि डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली रेल जो चली थी मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 में। लेकिन ग्रेट ईस्टर्न रेलवे के प्रथम निर्देशक होने के कारण नाना शंकर सेठ जी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है, ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो कि मध्य प्रदेश में स्थित, उसका भी नाम चेंज हो गया है और किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन पूछा गया है, हॉलॉक द्वीप का नाम बदलकर, मैंने अभी इसी क्लास में आपको बताया था कि अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम चेंज हो गया है और हेवलॉक द्वीप वो भी अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका नाम बदलकर क्या क्या है? तो प्यारे साथियों आप याद रखोगे स्वराज द्वीप क्या है, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखोगे स्वराज द्वीप। जो रॉस द्वीप है उसका भी नाम क्या क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है, वो भी अंडमान निकोबार भारत के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ध्यान देना, गोरखपुर एयरपोर्ट का भी नाम चेंज हो गया है और क्या है? महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्थित है यूपी में, आप याद रखोगे। उत्तर प्रदेश के मंडुवाड़ीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या हो गया है? यूपी का रेलवे स्टेशन मंडुवाड़ीह, उसका भी नाम चेंज किया है और क्या किया है उसका नाम, आप बताओगे कमेंट करके क्या क्या है प्यारे साथियों। बनारस क्या है? बिल्कुल बनारस। 30 यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703 AA का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए गुरु नानक देव जो कि सिखों के पहले नंबर के गुरु, गुरु नानक देव जी के नाम पर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 703 AA का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हम पूछा गया है ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए ट्रेन 18 का नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखोगे वंदे भारत एक्सप्रेस। क्वेश्चन पूछा है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो देखिए प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर जो है वह मनोहर पर्रिकर भवन। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखोगे मनोहर पर्रिकर भवन। बीजेपी के पहले व्यक्ति जो कि गोवा के सीएम बने हो, आप याद रखोगे गोवा के 3 बार सीएम बने थे मनोहर पर्रिकर जी, जो कि भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे और यूपी से राज्यसभा सांसद भी, है ना। उनकी मृत्यु कब हुई आप बताओगे मुझे मनोहर पर्रिकर की, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या हो गया है? ध्यान देना, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का भी नाम चेंज हो गया है और किया गया है डाइम, याद रखेंगे डाइम। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, यहाँ पर रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग क्या है? ऑप्शन नंबर डी अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो राइट आंसर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज,
एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन बी। पूछा गया है रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो प्यारे साथियों, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किया गया है मनोहर पर्रिकर ही। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखोगे। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? कर्नाटक में किसकी सरकार है? बीएस येदुरप्पा की, है ना। तो कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया है और क्या किया है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, आप जरूर याद रखोगे। क्वेश्चन यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने हवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर? तो देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट ने हवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा के नाम पर, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, पूछा गया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, यूपी में स्थित अयोध्या हवाई अड्डा, उसका नाम बदल कर किया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। और ये क्वेश्चन जितने भी हमने देखे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर लाइक नहीं किया हो तो एक बार लाइक करना, शेयर करना, और जो भी नए हो चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले धमाकेदार क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।